नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। जब से पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की बात की गई है, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। खासकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार में विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ऐलान इसलिए किया क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब इस पर जदयू के नेता ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने इसको लेकर कहा है कि विपक्ष की सोच काफ़ी छोटी है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को ही देखते रहते हैं और पीएम मोदी ने जो घोषणाएं की हैं वो पूरे देश के लिए है, बिहार से इसका कोई भी ऐसा नाता नहीं। इनको चुनावी वर्ष के चलते ऐसे फैसले नजर आते हैं, उनके नजरिया में दोष है, दृष्टि दोष है उनसे। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य में जहाँ कोयला खदान नहीं, अपने संकल्प शक्ति के बदौलत घर घर बिजली पहुंचा दिया और बिजली की उपलब्धता की भी गारंटी की, सब्सिडी की भी व्यवस्था किया। साथ ही साथ ये कृषि प्रधान राज्य है तो ये कोविड-19 में आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे। अगर इस संबंध में राज्य सरकार ने ये नीतिगत निर्णय लिया कि हम कृषि के क्षेत्र में जो बिजली का दर है उसको घटाएंगे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान चूँकि 2 महीने बंद रहे उनको छूट देंगे, अगर बिजली के चार्ज में हम कोई छूट दे रहे हैं तो इसका राजनीतिकरण है, इसका चुनाव से संबंध है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि चूंकि आर्थिक चुनौतियों से राज्य जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, तो कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे सवालों पर सकारात्मक रूप अपनाकर लोगों को राहत पहुँचाए और ये राहत पहुँचा रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में अगर बिजली की उपलब्धता नहीं होती तो कोविड-19 के दौर में क्या स्थिति होती। आज 77% हमारा रिकवरी रेट है, हम समझते हैं कि ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें। वैश्विक आपदा कोविड-19 और उस दौर में आर्थिक चुनौतियों का सामना देश कर रहा है और ऐसे सवाल पर विपक्ष के नेता जो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं उनके द्वारा साइकिल परिचालन का नकलची है क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश में पहली बार बेटा और बेटी समाज के सारे तबके के लिए 1,32,21,000 साइकिल बच्चों को दिया। आप तो लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं, तो अगर बिहार के नौजवानों के प्रति आपको संवेदना है तो अपनी बेनामी संपत्ति में से मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, गाड़ी खरीद दीजिए और कम से कम जिंदगी भर इस बात का वायदा करिए कि कम से कम उनको ईंधन की व्यवस्था कर देंगे। शिव पुराण में भी कहा गया है तेजस्वी यादव जी कि पाप से मुक्ति का यही उपाय है कि आप पश्चाताप करें, यदि आपको अपने किए पर पछतावा है तो आप पाप से बच सकते हैं, बशर्ते पछतावा जो हो वह दिखावटी न हो। तो यह शिव पुराण भी है, वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो कुछ पाप किए हैं, पाप से अर्जित संपत्ति है, राजनीति को धंधा बना दिया, बेनामी कंपनियां चला रहे हैं, कुछ दान करिए। राजनीतिकरण करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।